इंडियन आर्मी की विंग ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट करने का काम पूरा हो गया है। कैसे हुआ, किसने किया, ये सब हम आपको बताएंगे आज विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूँ आपके साथ जो 18 सितंबर को भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा एक्टिवेट कर दी है। इस बारे में भारतीय सेना की शाखा फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी। आपको बता दें कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स या 14 कोर भारतीय सेना की उत्तरी कमान का हिस्सा है और सियाचिन सहित कुछ सबसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL द्वारा प्रदान की जाती है। BBNL भारत सरकार का उपक्रम है जो भारत नेट परियोजना के लिए जिम्मेदार है। इस मिशन के तहत पूरे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लैस किया जाना है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। बात करें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की तो ये एक तरीके से इंटरनेट चलाने का ही तरीका होता है। इस खास तरीके में इंटरनेट चलाने के लिए सीधे सैटेलाइट से डेटा मिलता है जो कि धरती पर लगे छोटे सैटेलाइट डिश को मिलता है और उससे इंटरनेट चलाने में मदद मिलती है। ये 300 MB प्रति सेकेंड तक की इंटरनेट स्पीड मुहैया करवा सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट या जियो स्टेशनरी यानी GEO या फिर ब्लू अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइटों का उपयोग करता है। जियो मतलब अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह, जबकि LEO का मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह से है। बहरहाल सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेशन के केंद्र में खास इलाके में स्थापित अर्थ स्टेशन गेटवे होता है। यही गेटवे सैटेलाइट नेटवर्क को नेट से जोड़ता है। यहाँ से डेटा लेने के लिए ग्राहक को यूजर एक्सेस टर्मिनल मतलब UT डिवाइस और सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती है। भारत में अभी भारतीय एयरटेल, वनवेव, एलन मस्क की स्टारलिंक, कनाडा की कंपनी टेलीसेट और अमेजोन की प्रोजेक्टर क्विपर जैसी कंपनियां सैटेलाइट नेटवर्क देने की योजना पर काम कर रही है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने तो भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए प्री ऑर्डर लेना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दूर संचार विभाग ने उस पर रोक लगा दी, जिसके बाद कंपनी ने फिलहाल के लिए भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की प्लानिंग रद्द कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और लग्जमबर्ग की कंपनी SES की ज्वाइंट वेंचर जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड ने भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब जरा बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो दरअसल साल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत के रणनीतिक नियंत्रण में आया सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सैनिकृत क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में तैनात सैनिकों को कठोर मौसम जैसे कि हिमस्खलन से लेकर भूस्खलन तक का सामना करना पड़ता है। इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में सर्दियों के दौरान तापमान जो है वो -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में इतनी ऊंचाई पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो कमाल कर दिया है इससे अब इंटरनेट 19,000 फीट की ऊंचाई पर भी बेधड़ाक चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।